नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज महाराष्ट्र में आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ा राजा के ऐतिहासिक महल का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के बेहतर विकास की आशा व्यक्त करते हुए मंत्री डॉक्टर शिगाने को विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। इस देश के परम देशभक्त, परम राष्ट्र नेता, एक युग प्रवर्तक, ऐसे बालक को जन्म दिया हो जिस पर आज देश गर्व करता है, उस माता को मेरा सच्चा नमन है और मेरा सौभाग्य है। और मैं सोचता हूँ कि इस स्थान का, इस पुण्य पवित्र स्थान का अधिकतम विकास हो। मेरे साथ बालक मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा और भी जहाँ जहाँ मेरे से संभव होगा इस स्थान का भविष्य में और विकास हो। देश विदेश से लोग यहाँ पर आए ताकि यहाँ की अर्थतंत्र में भी इसका लाभ मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। महाराष्ट्र के पुणे में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की स्लैब मजदूरों पर गिर गई, जिसकी वजह से कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। ये घटना यरवदा इलाके के शास्त्री नगर में गुरुवार देर रात की है। दरअसल इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत का काम चल रहा था, तभी उसका एक स्लैब गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जाली के नीचे दबे मजदूरों को कटर की सहायता से बाहर निकाला है। वहीं मुंबई के माटुंगा में मॉक ड्रिल के दौरान हुए हादसे में घायल फायर फाइटर के जवान सदाशिव करवे का निधन हो गया है। बता दें 29 जनवरी को भावदाजी रोड पर स्थित सिद्धि अपार्टमेंट के सामने मॉक ड्रिल के दौरान 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान फायर फाइटर सदाशिव करवे का निधन हो गया। फिलहाल भाईखला में फायर ब्रिगेड मुख्यालय में शव को अंतिम संस्कार के लिए रखा गया है। इस मौके पर मेयर किशोरी पेडनेकर ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी और जवान के पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंप दिया है। यपनौर परिसर में मॉक ड्रिल चालू था। अग्निशमन दल की 2 व्हीकल्स के बीच में 3 कर्मचारी आए और वो जख्मी हो गए पूरी तरह से। ये मॉक ड्रिल सुबह चालू था, तब ये जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ी ये दोषपूर्ण है और ये दोषपूर्ण गाड़ी की वजह से ये हादसा हो गया। हमारे 3 जवान जख्मी हुए, सायन अस्पताल में भर्ती है। एक जवान का दायना पैर निकालना पड़ा और वो ICU में भर्ती है, अभी तक बेहोश है। हम मांग करते हैं कि ये जो फायर ब्रिगेड में गाड़ी दाखिल किया, जो अधिकारी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नर साहब से हम लोग मांग रखी है और जो कर्मचारी जख्मी हुए उनको आर्थिक मुआवजा देने की हम लोग मांग करते हैं। नासिक औरंगाबाद मार्ग पर सुबह करीब 7 बजे धामन गांव में कॉलेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 15 से 20 छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने ईडी की गवाही देते हुए बताया है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अक्सर उन्हें पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए अनऑफिशियल लिस्ट थमाते थे। उन्होंने कहा, मैं उनका पाठक था इसलिए उस लिस्ट को मानने से इनकार नहीं कर पाता था। कुंटे के ये खुलासे अनिल देशमुख के खिलाफ दायर चार्जशीट का हिस्सा है। कुंटे ने ईडी से पूछताछ में उस दौर का जिक्र किया जब वो चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव होने के नाते देशमुख के अंडर में काम करते थे। उन्होंने कहा कि अनऑफिशियल लिस्ट में लिखे अधिकांश नाम अंतिम स्थानांतरण आदेश में भी शामिल रहते थे। वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ईडी को दिए बयान में आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस की हिरासत में जेल में बंद बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को प्रताड़ित किया जा रहा है। वाजे को जेल में अपमानित किया जा रहा है। उन पर अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि कस्टडी में होने के बावजूद सचिन वाजे और अनिल देशमुख के बीच चांदीवाल आयोग में मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई थी और इस दौरान देशमुख ने वाजे पर ईडी को दिए अपने जवाब वापस लेने का दबाव डाला। ठाणे अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल ने भी सचिन वाजे पर देशमुख के खिलाफ बयान को बदलने का दबाव बनाया। परमवीर सिंह के खिलाफ अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद उन्हें गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई में स्थित आवास एंटीलिया के पास पिछले साल विस्फोटों वाली कार मिलने की घटना का मास्टरमाइंड था। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17वां गवाह अपने बयान से मुकर गया है। उसने गुरुवार को अदालत में कहा कि महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों ने उसे बंधक बनाकर 3-4 दिनों तक रखा और प्रताड़ित करके आरएसएस नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया। इससे पहले 15वें नंबर के गवाह ने एटीएस अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उसे योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। गवाह ने कोर्ट में गवाही दी कि एटीएस ने उसका बयान उस वक्त दर्ज किया था जब वो मामले की जांच कर रहा था, लेकिन बाद में एएनआई ने मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मामले में 220 लोगों की गवाही ली गई जिनमें से अब तक 17 लोग मुकर चुके हैं। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह उस वक्त एटीएस के अतिरिक्त आयुक्त थे। बीएमसी चुनाव की गहमा गहमी के बीच इकबाल सिंह चहल ने वर्ष 2022-23 के लिए 45,949 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। ये साल 2021-22 की तुलना में 17.70% अधिक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर को काफी अहमियत दी गई है। नए प्रोजेक्ट्स घोषित करने के बजाय बीएमसी ने मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर फोकस किया है। हालांकि इसके लिए बीएमसी को अपनी ही तिजोरी से करीब 1500 करोड़ रुपए लेने पड़ रहे हैं। बीएमसी ने 2022-23 में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 4,998 करोड़ रुपए आंतरिक कर्ज लेने का फैसला किया है। वहीं 10,667 करोड़ रुपए बैंकों में रखे रिजर्व फंड से निकालने की जरूरत बताई गई है। बीएमसी के पास कुल 87,131 करोड़ रुपए बैंकों में डिपॉजिट हैं, जिनमें 31,323 करोड़ रुपए कर्मचारियों के पीएफ, पेंशन, डिपॉजिट इत्यादि के लिए आरक्षित हैं। और कोरोना को कंट्रोल करने में विश्व में रोल मॉडल बनी बीएमसी प्राइमरी हेल्थ पर ज्यादा जोर दे रही है। इसलिए मौजूदा डिस्पेंसरी, हेल्थ पोस्ट और मैटरनिटी होम के अपग्रेड करने की योजना बीएमसी ने बनाई है। इस अपग्रेडेशन के जरिए बीएमसी हेल्थ केयर सेंटर शुरू करने वाली है। इसके शुरू होने से मुंबईकरों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए वर्ष 2022-23 के आर्थिक बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आपको बता दें कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने साल 2022-23 का आर्थिक बजट गुरुवार को पेश कर दिया है। ICICI फाउंडेशन द्वारा मरीजों की निशुल्क जांच के मोबाइल वाहनों को स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि तीसरी लहर मार्च में खत्म हो जाएगी। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 48,000 से घटकर 10,000 हो गई है, इसलिए ये कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर मार्च में समाप्त हो जाएगी और राज्य में प्रतिबंधों को धीरे धीरे कम किया जाएगा। खबर 17 से, जहां जिले में धार्मिक गुरु बंडा तात्या कराडकर पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल 17 में बंडा तात्या कराडकर ने महाराष्ट्र सरकार के वाइन बिक्री को लेकर दंडुका मोर्चा निकाला था। इस दौरान सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए बंडा तात्या ने सुप्रिया सुले और पंकजा मुंडे पर शराब पीने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से इसकी जांच की गई, जिसके बाद पुलिस ने बंडा तात्या को थाने में हाजिर होने का आदेश जारी करते हुए उन पर केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी विधायक नितेश राणे का आज भी कोई राहत नहीं मिली है। नितेश राणे को 18 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जिला अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब नितेश राणे जमानत के लिए सत्र अदालत में आवेदन करेंगे, इसलिए सभी की निगाहें सेशन कोर्ट में फैसले पर टिकी हैं। आपको बता दें, ये मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर कथित हमले से संबंधित है। नितेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत पूरी करने के बाद आज सिंधुदुर्ग कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुंबई में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। गुरुवार को कोरोना के नए केसों का आंकड़ा एक बार फिर से 1,000 के आंकड़े के नीचे पहुंच गया है। महानगर मुंबई में गुरुवार को 24 घंटों में 827 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। बीएमसी के अनुसार 7 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। बीएमसी के अनुसार इन आंकड़ों के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 10,49,348 हो गई है, जबकि मुंबई में कोरोना की मौतों की संख्या 16,647 तक पहुंच गई है।
और महाराष्ट्र में लगातार दो साल से कोरोना महामारी के चलते सरकारी नियमों का पालन करते हुए माघी गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाली बल्लेश्वर अष्टविनायक गणेश मंदिर और अलीबाग के आग्रेकालीन कुलाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। अनाज की रंगोली यहां का आकर्षण है। मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अमरावती के सेशन कोर्ट ने कोरोना टेस्ट के बहाने महिला के गुप्तांग से स्लब लेने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 29 जुलाई 2020 को अमरावती के बडनेरा ट्रॉमा केयर यूनिट में ये घटना घटी। इस मामले को लेकर राजनीतिक पार्टी और समाजसेवी संगठनों ने विकृत मानसिकता के आरोपी को सजा देने की मांग की। नवी मुंबई के पास पनवेल में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापेमारी कर वेश्यावृत्ति में फंसी 6 युवतियों को रिहा कर दिया है, जिसमें से 2 नाबालिग लड़कियां बताई जा रही हैं। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि बरामद की गई लड़कियां यूपी और राजस्थान से लाई गई थी, जिनसे देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच में जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, उनका सीनियर इंस्पेक्टर जो है पराग सोनो ने, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई कुछ लोग हैं जो खांदा कॉलोनी में एक मनोत्तम बिल्डिंग है, जहां उन्होंने कुछ महिलाओं को जबरन वहां लाके प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनके ऊपर ज़बरदस्ती किया है और वो लोगों को पैसे लेके उनको प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के तहत वहां हमने छापेमारी की, जहाँ की हमें वहाँ 3 पीड़ित महिलाएँ मिली, 6 महिलाएँ मिली, जिसमें से 3 राजस्थान की है, 2 आगरा की है और 1 दिल्ली की है। तो इसमें 2 गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अनिश खान करके है जो कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और दूसरा जो है सुनील राम जो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। सतारा में पंडित ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने सामूहिक आत्मदाह का प्रयास किया है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि शिवेंद्र सिंह राजे भोसले की पत्नी वेदांती काराजे भोसले ने कंपनी को अवैध रूप से खरीदा था। 2 फरवरी को 20 से 22 लोगों ने एक साथ आकर आत्मदाह का प्रयास किया। बता दें ये कंपनी सतारा MID में है। श्रमिकों ने विधायक शिवेंद्र सिंह राजे भोसले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों द्वारा आत्मदाह करने से कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाकर मामले को शांत कराया। वहीं विधायक शिवेंद्र सिंह राजे भोसले ने कहा कि हमने NCLT की नीलामी से पंडित ऑटोमेटिव स्पेस खरीदा है। श्रमिकों के समाप्त वेतन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ से 20 से 30 साल तक यहाँ पे काम कर रहे थे। पिछले 5 से 6 साल तक यहाँ पे ये जो कंपनी है वो बंद कर दी है, लेकिन वो लीगली बंद नहीं हुई है। वो जो मालिक है उन्होंने बताया है कि वो बंद कर दी है। यहाँ पे जो कर्मचारी है वो अपने आप यहाँ पे अंदर जाके अपने आप से ही काम करते हैं, और जो कुछ मिलता है उससे हम हमारा गुजारा चल रहे थे। लेकिन कल रात अचानक कुछ लोग यहाँ पे जबरदस्ती घुस गए, यहाँ का गेट और ये सब बदल कर यहाँ अंदर जबरदस्ती घुस गए, और हमारे जो कर्मचारी थे उनको जबरदस्ती बाहर निकाला गया, और हमारी जो गाड़ियां है थी खुल कर रखी है, वो जो काम करने के लिए रहता वो सभी अंदर है, हमारे डॉक्यूमेंट्स अंदर है, वो सारे स्पेयर पार्ट्स है वो सभी अंदर है। जो हमने इधर इतने साल का रिलेशन मेंटेन किया, वो सभी रोड में से कस्टमर ढूंढ के इधर आके हम उनको काम करने के लिए बुलाते थे, जो उसके ऊपर जो मजदूरी कोई पैसा मिलता था उसके ऊपर बाल बच्चे हम संभालते थे। अभी जो संभालने का टाइम आ गया, तो अभी इधर बोर्ड बंद है, तो अभी कल से हम क्या करेंगे और कैसे बाल बच्चे संभालेंगे, कौन देगा हमको? अभी 5 साल से कोई मिलता था, उसमें कोरोना आया, सब आया, गाड़ियाँ बंद थी, बंद सब बंद, उसमें कैसे पैसे इधर उधर काम करके हम हमारा उधर निर्वाह चल रहा है। अभी तो इधर चल नहीं सकता, जो अभी DO है वो नहीं कोई दे रहा, अभी घर कैसे चलेगा? जो है जो कंपनी दूसरे लोगों ने लिया है, जो एग्रोटेक ने लिया है वो लिया है, जो हमारा DO है वो कौन देगा? जो हमने इधर इतने साल रुक करते अगली खबर का। रायगढ़ जिले के महाड़ गांधारी नाका से लेकर प्रांताधिकारी कार्यालय तक सभी मड़ाकारों ने विरोध मार्च निकाला है। 2021 में आई बाढ़ ने आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। मड़ा और पोलादपुर में भारी नुकसान देखने को मिला था। सरकार सावित्री और कालनदी घाटियों से कीचड़ हटाने के लिए काम कर रही है और एक अल्प प्रणाली स्थापित की गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह काम हो रहा है इस बारिश तक पूरा नहीं होगा, और फिर इस साल बाढ़ आ सकती है और नुकसान हो सकता है।
खबर औरंगाबाद से, जहां जिले के वैजापुर तहसील में अवैध तरीके से रेत और अन्य खनिज संसाधनों की चोरी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। राजस्व प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरों की मदद से खनिज तस्करों पर नजर रखी जाएगी। वहीं ड्रोन कैमरों से निगरानी की जानकारी मिलते ही खनिज तस्करों में हड़कंप मच गया। रत्नागिरी जिले में स्थित विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल गणपति पुले मंदिर में माघी गणेशोत्सव शुरू हो गया है। कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके लिए मंदिर को आकर्षक रूप से साज सज्जा की गई है। इस उत्सव की योजना संस्थान देव गणपति पुले ने तैयार की है। पिछले 2 साल के कोरोना प्रतिबंधों के कारण कई गणेश भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यह उत्सव कोरोना के पहले वर्ष में आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन पिछले साल यह उत्सव कुछ लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस वर्ष सभी भक्त दर्शन कर सकेंगे। कंगना रनौत ने अपने नए रियलिटी शो लॉकअप को लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया है। इनके इस शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर भी मौजूद रहीं। कंगना इस रियलिटी शो को होस्ट करेंगी। इवेंट के दौरान कंगना की एक पत्रकार के साथ बहस हो गई। ये बहस एक सवाल पर हुई और ये सवाल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से जुड़ा था। पत्रकार ने कंगना से हाल में हुए दीपिका पादुकोण से जुड़े एक विवाद के बारे में पूछा, जिस पर वो भड़क गई। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण ने गहराइयां प्रमोशन के दौरान हेमलाइंस और नेकलाइंस वाले ड्रेस पहने थे, जिस पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कथित तौर पर तंज कसा था। कारोबारी राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के नाम 5 फ्लैट ट्रांसफर किए हैं, जिनकी कीमत करीब 38.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा पिछले साल एक पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार हुए थे और बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। राज कुंद्रा का असली नाम रिपू सूदन कुंद्रा है। कुंद्रा ने अपने बंगले किनारा के पूरे फर्स्ट फ्लोर को शिल्पा के नाम ट्रांसफर किया है, जिसमें 5 फ्लैट हैं। आपको बता दें, ये कपल फिलहाल इस समय इसी किनारा नाम के बंगले में रहता है। ये बंगला मुंबई के जुहू इलाके के गांधी ग्राम रोड पर स्थित है और करीब 5,995 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के लग्जरी बंगले अक्सर चर्चा में रहते हैं। प्रतीक्षा और जलसा के अलावा बिग बी के पास कई घर हैं, उनमें से एक साउथ दिल्ली स्थित उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का बंगला गुलमोहर पार्क इलाके में भी है, जिसमें उनके माता पिता रहते थे। लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने इस घर को बड़ी कीमत में बेच दिया है। इस बंगले का नाम सोपान है। रिपोर्ट की माने तो अमिताभ बच्चन ने साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क स्थित अपनी प्रॉपर्टी सोपान को 23 करोड़ में बेच दिया है। 1980 में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन और उनकी मां तेजी बच्चन इस घर में रहती थी, लेकिन अब काफी समय से वो बंगला खाली था, जिसे अब बिग बी द्वारा इस प्रॉपर्टी को नेजोन समूह की कंपनियों के सीईओ अवनी बदर को बेच दिया गया है। एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे हैं, जहां वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्षय कुमार की साल में बैक टू बैक 3 से 4 फिल्में तो रिलीज हो ही जाती हैं। ऐसे में वो अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे हैं, जहां पड़ रही बर्फ के वो कायल हो गए हैं। इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वो पुलिस यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं और स्लो मोशन में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा की शादी 5 फरवरी को है। कपल की शादी के फंक्शन 3 फरवरी से शुरू हो गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी हल्दी सेरेमनी की फोटोज सामने आई हैं। इन फोटोज में कपल बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। करिश्मा और वरुण गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते उन्होंने अपनी शादी में बहुत खास दोस्तों को ही इन्वाइट किया है। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर और सिंगर शिबानी दांडेकर 21 फरवरी को शादी करेंगे। इस बात को उनके पिता और बॉलीवुड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने कंफर्म किया है। जावेद ने कहा, कपल 21 फरवरी को अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर करेगा। इसके बाद परिवार और दोस्तों के साथ खंडाला स्थित फार्म हाउस में एक इंटीमेट सेलिब्रेशन होगा। शादी की जो तैयारियां हैं, वो सब वेडिंग प्लानर देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, पैंडेमिक के कारण हम इस सेलिब्रेशन को बहुत छोटा रख रहे हैं। खैर, अभी तक किसी को इनविटेशन भेजा नहीं है। वहीं शिबानी की बात करते हुए जावेद ने बताया, वो बहुत अच्छी हैं, हम सब उन्हें बेहद पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फरहान और शिबानी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई में अपने सपनों का घर बनाया है। एक्टर ने अंधेरी के बरसोबा इलाके में यारी रोड पर बंगला बनाया है, जिसमें तकरीबन 3 साल लग गए हैं। सूत्रों की माने तो नवाजुद्दीन ने अपने सपनों के आशियाने को बनाने में तकरीबन 13 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सूत्र बताते हैं कि नवाजुद्दीन पिछले कई सालों से अपने होम टाउन बुढ़ाना के पुराने घर की रेप्लिका मुंबई में बनाना चाहते थे। वे ज्यादातर इसी शहर में अपना वक्त बिताते हैं और इसी वजह से वे चाहते थे कि बुढ़ाना जैसा घर मुंबई में भी हो। हालांकि इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था। मुंबई के जिस अंधेरी इलाके में नवाज ने यह घर बनवाया है, वहां प्रॉपर्टी रेट आसमान छूते हैं, क्योंकि यह शहर के पॉश इलाकों में से एक है। नवाज ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए में पहले जमीन खरीदी, वहीं 3 करोड़ रुपए घर को बनाने और इंटीरियर में खर्च किए हैं। ये नवाजुद्दीन के सपनों का घर है, तो उन्होंने इसे सजाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इस घर को लेकर वे काफी इमोशनल हैं और अब घर बनकर तैयार है तो वे अपना ज्यादातर वक्त यहीं बिता रहे हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।